अच्छा जो रिज्यूम है इट ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी मार्केटिंग का पीस होता है, आपकी एडवर्टाइजमेंट ये करता है. डालडा और ममता का कोई कनेक्शन नहीं है, बट मार्केटिंग कनेक्ट ममता विद डालडा. आप अपना सीवी डेवलप करते हैं, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो यू एक्चुअली कनेक्ट somehow you try to connect to that organization. आप अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करते हैं कि वो आपका कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नजर आता है उसके अंदर. ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है. इट पेंट्स अ पॉजिटिव यू टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज इट? इट इज योर परसेप्शन मैनेजमेंट, योर इमेज बिल्डिंग एबिलिटी, कि आप अपना इमेज एक प्रेम पत्र से, यानी कि वो एक जो एक पेपर जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे क्या इमेज, क्या परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं अपने, ये आप इसका टारगेट अचीव करते हैं. गाइड्स द इंटरव्यूअर, कि वो इंटरव्यूअर जो है वो परेशान हो जाए सीवी को पढ़ के, कोई चीजें उसको देखनी है जो उसने मांगी है वो नजर भी आ रही है उसको, उसमें है भी या नहीं है. अगर उसको डिफिकल्ट, तो व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ राइटिंग अ सीवी? द मेन टारगेट इज gets an interview, not a job. अगर आपको एक इंटरव्यू कॉल आ जाती है उस सीवी पे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सीवी अच्छी बनी. सीवी बनाने का कोई ना लॉ है ना कोई रेगुलेशन है. वी ऑल हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें हम उसको बना रहे होते हैं. एज पर एक्सपीरियंस हम उसको डेवलप कर रहे होते हैं अपने हिसाब से. तो विच टाइप ऑफ रिज्यूम इज बेस्ट फॉर यू, क्या हो सकता है? उसमें कई चीजें हो सकती हैं, लाइक आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, सीक्वेंसिंग सही होती है, या आप उसको फंक्शन या स्किल बेस्ड भी कर सकते हैं कि आपकी फंक्शंस क्या हैं, कि फंक्शन में काम क्या है, आपकी स्किल बेस क्या है, और उसको आप मेंशन कर रहे हैं, या कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं आप कि ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ काम हो रहा हो. एवरीथिंग इज राइट, लेकिन किस तरह से आप इसको पोर्ट्रे करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ अगर आप जाते हैं रिज्यूम कंपोनेंट्स पे, तो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं, हेडिंग होती है, वर्क एक्सपीरियंस, समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एबिलिटीज, अचीवमेंट्स, हॉबीज एंड प्रोजेक्ट्स. अगर हम ऑब्जेक्टिव पर आ जाएं, तो जो एक्सपीरियंस है मेरा वो सजेस्ट करता है कि बहुत ही वेग ऑब्जेक्टिव होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा. लाइक अगर मैं एक छोटा सा, मुझे याद है कि एक सिंपल लाइन ऑब्जेक्टिव कोई एचआर रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई किया है, वो लिख रही है कि एचआर रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन इन क्लेवलैंड एरिया, यू कैन अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है, सिंपल. लेकिन फाइव लाइनर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट कैंडिडेट कि इस ऑब्जेक्टिव से आपका मतलब क्या है, दैट कैंडिडेट इज अनएबल टू एक्चुअली एक्सप्रेस के है क्या है. Very important when you're writing objectives. So objective में क्या लिखना चाहते हैं? Most of the senior guys mention their summary. Objectives के जगह वो summary लिखते हैं. उनको कुछ बहुत बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं, तो वो summarize कर लेते हैं. उनका experience बहुत ज्यादा होता है. जो जिनका experience बहुत ज्यादा नहीं होता, normally वो सिर्फ objective लिख रहे होते हैं. फिर proper heading, जिनसे बात समझ में आ रही हो. Work experience. अब work experience आपने अदर में देखा, achievements and projects आ रहे हैं. तो what recommended is, आजकल क्वालिफिकेशन देखने का जमाना गुजर गया. अब लोग ये जानना चाहते हैं आपको आता क्या है. तो वर्क एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सीवी. उसी में अगर आप अचीवमेंट, आपके इम्पैक्ट, आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपने किन प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि अगर कनेक्ट करें आपकी प्रोस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जहां आपने अप्लाई किया हुआ है वहां पे वो फ्रूटफुल है, तो इट विल ग्रेब अटेंशन, आपकी अटेंशन ग्रेप करेगा वो, और आप उसमें इंटरव्यू में भी काम हो सकता, इंटरव्यू एक करने में कामयाब हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, और मुमकिन है कि आपको जॉब भी मिल जाए. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें तरीके से मेंशन करना. अगर इसमें कई जगह प्रॉपर चीजें नहीं होती, मिसाल के तौर पर हम रिज्यूम लेआउट एंड अपियरेंस के ऊपर पेपर सही यूज करते हैं, आप वाइट यूज करना चाहते हैं या कि ऑफ वाइट करना चाहते हैं. सम पीपल यूज इवन ब्लैक, ब्लैक पेपर यूज कर लिया, इसे ऑरेंज यूज कर लिया,
तो आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट हो रही है, आप बगैर जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई डिसेंट इमेज क्रिएट नहीं कर सके तो वो वहां क्लोज हो जाएगी आपकी स्टोरी। इसी तरह से एक रिकमेंडेड ये भी है कि यूजुअली 1-2 पेज होना चाहिए सीवी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ये डिटेल होगा, जितना लेंदी होगा, उतना ही जो रिक्रूटर्स होंगे उनका टाइम लगेगा, उनको मुश्किल होगी। अगर आप उनकी उनको मुश्किल क्रिएट करते हैं तो समझ लीजिए मुश्किल हो जाएगी। लाइक लेट मी टेल यू कि हम अपने बच्चों को बताते हैं जो ओ लेवल में पढ़ रहे हैं कि भाई आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम राइटिंग के तो नंबर ही नहीं है, बस आप लिख दें। क्या है कि जब एग्जामिनर या जो चेक कर रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो वो क्या मार्क्स देगा, बॉल पॉइंट से ये लोग लिखते हैं। इसी तरह से अगर आप जो सीवी बना रहे हैं वो अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, मुश्किल हो रही है रिक्रूटर को, तो वो टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। बहुत सारे सीवी होंगे उनके पास किसी पोजीशन के लिए, तो आप जो है 1-2 पेज का सीवी बनाए, फॉन्ट साइज 12 मुनासिब है, 11 भी चल जाता है, कंसिस्टेंट रहें विद लेआउट, अंडरलाइनिंग, कैपिटलाइजिंग, बोल्ड एक्सेट्रा, ये तो बड़ी बातें हैं जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहें। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बहुत सीनियर लेवल पे भी इतनी गलतियां हो जाती हैं सीवी में, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ग्रामर मिस्टेक्स हो गई, स्पेल चेक लगा दिया लेकिन स्पेल चेक में चूंकि 2 स्पेलिंग सही थी तो गलत स्पेलिंग सेलेक्ट हो गई वहां पर, तो ये बहुत ही बुरा इमेज जो है क्रिएट कर रही होती है। बेहतर है कि बुलेट पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ यूज करें, जितना आप कम लिखेंगे, एज ब्रीफ एज सिंपल एज पॉसिबल, इट विल बिकम मोर इफेक्टिव। जितना ये लेंदी होता जाएगा वो अपनी जो है कहना चाहिए कि अहमियत होता चला जाएगा। अच्छा, यूज फ्रेजेस दैट फोकस ऑन योर सक्सेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां आपकी अकॉम्प्लिशमेंट हुई है वो सारा मेंशन करते चले जाएं। इसी तरह से आप स्पेल चेक ग्रामर यूज करें, रीसेंट एंड डिसेंट प्रोफाइल। अब आपने सेल्फी ले ली है सीवी पे खड़े होकर या अपनी गैलरी में खड़े होकर, ये बहुत मुश्किल हो जाती है, लोग देखते हैं कि सीरियस नहीं है, सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है इस कैंडिडेट के अंदर, तो वो उसी जगह वो बात खत्म हो जाती है और आगे मामला बढ़ पा रहा होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपके साथ वो सीवी शेयर करता हूँ अब जो मैंने आपको कहा था कि जो साहब सिलेक्ट हुए थे बी किया था उन्होंने मैकेनिकल के अंदर, तो मैं वो सीवी भी आपके साथ शेयर करता हूँ जो फ्रेश था और जो उसके बाद रिवाइज किया गया। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आप बहुत सारे वर्ड सीवी में यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारे ना जार्गन, बिजनेस जार्गन बहुत चल रहे होते हैं कि मूव द नीडल्स और जनाब याली इकोसिस्टम्स और थॉट लीडरशिप, कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल रहें, ये तमाम वर्ड इस तरह के यूज ना करें। इस तरह के जो वर्ड हैं वो यूज हो रहे होते हैं मार्केट में, लेकिन ये पेपर पर जब सीवी आता है तो लगता है ये रूटीन में कुछ कॉपी पेस्ट चीजें हो गई हैं और ये कैंडिडेट को शायद पता भी नहीं उसने लिखा क्या है। लेकिन आप जब अपना एक जनरल परसेप्शन क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि पॉजिटिव सेल्फ प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे लफ्ज लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है आउटसाइड द बॉक्स थिंकर, रिजल्ट ओरिएंटेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकर, गो गेटर, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। लेट मी ओपन दिस एग्जाम्पल फॉर यू। देखिए आप इसके अंदर जो है ऊपर तो आप देख रहे हैं नाम आ रहा है सर, मैंने नाम हटा दिया है तो एक्स वाई जी। अब ये उस वक्त बना हुआ है का जब उसने सिर्फ बी किया है, उसने एक ऑब्जेक्टिव एक लाइन में लिखा हुआ है, उसने अपनी क्वालिफिकेशन लिख दी और उसके बाद उसने कुछ सॉफ्टवेयर जानता था वो उसने मेंशन कर दिए, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, पर्सनल डेटा एंड दैट्स इट। क्या इमेज क्रिएट करता है ये, क्या होगा ये सीवी जाएंगे तो? अच्छा, ये सीवी वाज स्टिल बेटर। मैंने जब इंजीनियर्स के सीवी देखे बहुत सारे, वो अनफॉर्चुनेटली पैथेटिक, बहुत बुरे थे, ये उनमें से बहुत बेहतर। लेकिन ये सीवी जा रहा है, क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है? और आप सोच सकते हैं कि एक फ्रेश कैंडिडेट क्या सीवी बना सकता है? तो लेट मी शेयर, थोड़ा सा देख लें इसको ताकि जब मैं ओपन करूंगा तो फिर आपको लेट मी ओपन द रिवाइज वन नाउ। ओके, देखें अब जो है आप सीवी आप देखिए क्या हो गया है, नाम उसी तरह से आ रहा है, एक सिंपल एक वन लाइनर उसका ऑब्जेक्टिव है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन किया। अब एक बच्चा जो है जिसने एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रहा है आफ्टर हैविंग सेवरल मैराथन, कि उसकी समझ में आया कि उसका एक्सपीरियंस है। उसने पहले अपने लिखी है इंटर्नशिप, मैंने कंपनी का नाम हटा दिया है लेकिन आप समझ जाएंगे क्या है ये।
उसकी सिर्फ एक महीने की इंटर्नशिप है जून टू जुलाई 2 महीने की, और उसमें वो लिखता है कि ये लीडिंग ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग वर्ल्ड रिनाउंड डीजल ट्रक्स बनाते हैं, अचीव स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एक्सेलेंस दैट इज कम्पीटिंग द बेस्ट इन द रीजन बाय गेनिंग 70% ऑफ मार्केट शेयर, गिविंग सम इंफॉर्मेशन वेयर एक्चुअली ही गॉट द एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट. देन व्हाट ही हैज डन इन दीज 2 मंथ्स, इंटर्निंग एट द इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्सोलीट ड्रॉइंग्स यूजिंग ऑटो डेस्क और ऑटोकैड, कैटलॉग डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑटोमेटर, ऑब्जर्व न्यू सीएनजी बस डेवलपमेंट. अब ये आप देखें कि वो एक फ्रेश ग्रेड अपना एक्सपीरियंस भी लिखता है, फिर अपनी मेजर अचीवमेंट लिखता है, वो गॉट एक्सपोजर ऑफ वर्कफोर्स मैनेजमेंट, गॉट गुड इनसाइट ऑफ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, एक्सपोजर ऑफ बिल ऑफ मटीरियल, लर्न डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ व्हीकल्स, एक्सपोजर ऑफ ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू असेंबलिंग, व्हिच इज करेक्ट फैक्ट भी है ये. अब प्रोजेक्ट पे उसने जो काम किया उससे पहले उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या मेंशन करूं, कि वो लिखता है कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ स्टर्लिंग इंजन, व्हाट वी हैव एक्चुअली डन इन दिस प्रोजेक्ट वाज स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ स्टर्लिंग इंजन, सेलेक्ट द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, प्रोड्यूस कैड मॉडल्स, प्रोड्यूस एनिमेटेड वर्जन, सिमुलेटेड द मॉडल बाय डूइंग थर्मल एनालिसिस एंड फेल्योर एनालिसिस. कहने का मकसद यह है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं हम उस वक्त बहुत सारी असाइनमेंट करते हैं. मुझे अपनी अपनी क्लास के अंदर पता है कि मेरे जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं अगर उनमें से कुछ फ्रेश भी हैं, दे कैन इजीली गो एंड से कि वी हैव वर्क्ड ऑन डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजी, वी नो व्हाट द बिहेवियरल इंटरव्यूइंग इज, ठीक है, व्हाट द न्यू परफॉर्मेंस अप्रोच इज, व्हेन दे मेंशन इट इन देयर सीवी इट विल बिकम वेरी हैवी, बट डू दे रियली अंडरस्टैंड कि इसको मेंशन करना चाहिए. मे बी उनके जहन से निकल जाती है ये बातें. Sometimes we don't understand what is really important, or we need to understand that. और वो अगर आप mention करते हैं तो आपका CV जो है वो important हो जाता है. उसके बाद देखिए ये सारी चीजें उसने पहले भी mention की, qualification और ये थोड़े से experience, ये तमाम चीजें. इस CV के बाद एक बहुत initial level के ऊपर बड़े आराम से उसका पहला question ये था, एक public sector company में, let me say KE Electric, और बहुत अच्छी position पर अब वो हैं साहब, कि आराम से उनको पहला सवाल ही किया गया कि who made this CV? तो अच्छा क्या उन्होंने बताया कि मैंने ही बनाया है CV, और उन्होंने बनाया था, मैंने बनवाया था उनके साथ, and he got a job. So that is important, कि किस तरह से आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं. अच्छा आप देखें एक बिग नो और बैकअप कॉल जो है वो क्या है, इस तरह के ईमेल एड्रेसेस लवली बॉय और लवली गर्ल एट हॉटमेल डॉट कॉम. अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हो रही होती है कि ये सारी चीजें आ गई आपके पास, या अगर इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो आप बता रहे हैं कि आई रीड द बुक्स बट आई डोंट रिमेम्बर किसने लिखी है वो, या इंटरनेट सर्फिसिंग करता हूँ, या इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं माई फादर्स नेम इज दिस एंड माई एज इज दिस दिस दिस, अजीब मुश्किल हो जाती है. थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन इज द की. हमारे पास टाइम नहीं है, अगर 2-4 मिनट हुए तो हम मूव कर जाएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, वरना हम इसको यहाँ क्लोज करेंगे. आप जो है looking to apply my skills, अब क्या जवाब दे रहे हैं, कुछ सवाल करते हैं तो looking to apply my skills and experience in a fast paced challenging environment, फलाना फलाना, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि too much business jargons, they don't work. Genuineness is the key. Fact के साथ relate करें, genuine अगर आप होंगे तो ये तमाम चीजें काम करेंगी और आपको interview call आएगी.